नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल सैम एडवेंचर्स में। जान ट्रैवल और ट्रैवल से रिलेटेड और एडवेंचर स्पोर्ट्स से रिलेटेड आप सारी इन्फॉर्मेशन को प्राप्त कर सकते हैं। आज उसी कड़ी में हम बातचीत करेंगे ट्रैवल इंश्योरेंस के बारे में। जब आप अंतर्राष्ट्रीय ट्रैवल पर जा रहे हैं तो आपको क्या ट्रैवल इंश्योरेंस की ज़रूरत है या नहीं है। देखिए, अगर आप यूरोप जा रहे हैं, यूएस जा रहे हैं, यूके जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं, ऐसी बहुत सी कंट्री हैं जहाँ पे आपको ट्रैवल इंश्योरेंस लेना कंपलसरी है। उसके बिना आपको वीज़ा मिलेगा ही नहीं, आप वीज़ा अप्लाई कर ही नहीं सकते हो। अदरवाइज अगर आप दूसरी कंट्रीज में जा रहे हैं, एशिया में किसी कंट्री में, साउथ एशिया में, तो वहाँ वीज़ा आपको ट्रैवल इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरा आपको सजेशन है, रिक्वेस्ट है कि जब भी आप किसी भी अंतर्राष्ट्रीय ट्रिप पर जा रहे हैं, फैमिली ट्रिप के ऊपर जा रहे हैं या फिर आप जा रहे हैं बिजनेस ट्रिप पर, तो आप ट्रैवल इंश्योरेंस को लेके जरूर जाएं। आज हम इसी कड़ी में बातचीत करेंगे कि ट्रैवल इंश्योरेंस हमारे लिए क्यों जरूरी है। देखिए, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, एंड तक देखिएगा, आपको काफ़ी फायदा होगा इस वीडियो को देखने से कि हमें ट्रैवल इंश्योरेंस लेना क्यों जरूरी है। आइए हम देखते हैं कि हमें ट्रैवल इंश्योरेंस लेना क्यों जरूरी है। आज हम देख रहे हैं कि हमें ट्रैवल इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए। ठीक है, ट्रैवल इंश्योरेंस बहुत जरूरी है, काफी जरूरी है। अगर आपके लिए वीजा के लिए अगर कंपलसरी है, मैंडेटरी है, तो आपको इंश्योरेंस लेना ही पड़ेगा, ट्रैवल इंश्योरेंस लेना ही पड़ेगा। लेकिन कुछ कंट्रीज में जरूरत नहीं है, लेकिन उसके अलावा भी जहाँ जरूरत नहीं है आपको ट्रैवल इंश्योरेंस लेना जरूरी है। पहला कारण है कि हमें ट्रैवल इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए, वो है इफ इन केस योर फ्लाइट डिले और कैंसिल। अगर आपकी फ्लाइट रद्द हो गई है या देरी से उड़ रही है, तो आप इस कंडीशंस के अंदर ट्रैवल इंश्योरेंस कंपनी से इसको क्लेम कर सकते हैं और आपको क्लेम मिल जाएगा, पूरा मुआवजा आपको मिल जाएगा फ्लाइट डिले होने पे और फ्लाइट कैंसिल होने पे। देखिए, अगर फ्लाइट डिले हो या कैंसिल हो, दोनों ही कारणों में क्या होता है कि आपका ट्रिप कोलैप्स हो सकता है, आपका पूरा एटनरी चेंज हो सकती है। तो देखिए, इस केस में आपको ट्रैवल इंश्योरेंस बहुत फायदेमंद हो सकती है, इसलिए आपको ट्रैवल इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है। इफ इन केस योर फ्लाइट डिले और कैंसिल है, इसमें आपको काफी उपयोगी हो। देखिए, दूसरा कारण है आपको ट्रैवल इंश्योरेंस लेना क्यों जरूरी है। इफ इन केस योर बैगेज, चेक इन बैगेज डिले और लॉस, जो आपने एयरलाइंस में जाते हुए इंडिया से जब अपने ट्रिप पे जा रहे हैं डेस्टिनेशन पे, या अपने ट्रिप को, एंटायर ट्रिप को कंप्लीट करके जब इंडिया वापस आ रहे हैं, तो इन दोनों ही कंडीशन में अगर आपका चेक इन बैगेज एयरलाइंस कंपनी खो देती है या डिले मिलता है आपको, उन दोनों कंडीशन में ट्रैवल इंश्योरेंस से आपको क्लेम मिल सकता है, अच्छा खासा क्लेम होता है। अगर आपका बैगेज डिले मिला है तो उसमें भी 50 से 100 डॉलर तक मिल जाते हैं, और अगर आपका बैगेज खो गया है तो उसमें 100 डॉलर से लेकर 300 400 डॉलर तक आपको मिल सकता है, उससे ज्यादा भी मिल सकता है। और कुछ ट्रैवल इंश्योरेंस कंपनियां जो है वो पूरे एंटायर ट्रिप के लिए आपके गैजेट्स को, आपके पूरे बैगेज को भी कवर करती है, या आपके प्रीमियम के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए जरूरी है कि आप ट्रैवल इंश्योरेंस को जरूर से ले। देखिए, तीसरा कारण है कि हमें ट्रैवल इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। इफ इन केस योर पासपोर्ट लॉस, अगर आपका पासपोर्ट यात्रा के दौरान खो गया है, अगर खो गया है पासपोर्ट, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस कंडीशन में भी आपको ट्रैवल इंश्योरेंस कंपनी आपको पे करती है। जैसे आपको इंडिया से बाहर जाने के लिए पासपोर्ट जरूरी है, वैसे ही अपने देश वापस लौटने के लिए भी पासपोर्ट जरूरी है, और जब तक वहां पे आपको दूसरा नया पासपोर्ट नहीं मिल जाएगा, जब तक आप इंडिया वापस नहीं आ सकते। इस कंडीशन में भी क्या है कि ट्रैवल इंश्योरेंस कंपनी आपको पूरा मुआवजा देती है, आपको इमीडिएटली पूरा ट्रैवल असिस्टेंट देती है, जिससे आप इमीडिएटली अपने नए पासपोर्ट को बना सके अपनी एम्बेसी में कॉन्टेक्ट करके, और उस कंडीशन में पूरा का पूरा जो भी खर्चा आता है वो पूरा का पूरा आपको ट्रैवल इंश्योरेंस कंपनी पे करती है। इसलिए जरूरी है कि आप ट्रैवल इंश्योरेंस इंटरनेशनल ट्रिप पे जा रहे हैं तो लेकर जरूर से जाएं। चौथा कारण है कि हम ट्रैवल इंश्योरेंस क्यों लें, वो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है फॉर वीजा। कुछ कंट्रीज के लिए जरूरी है कि आप ट्रैवल इंश्योरेंस को कराएं, उसके बिना उनकी कंट्री का वीजा अप्लाई नहीं कर सकते, उस कंट्री में आप एंटर नहीं कर सकते अगर आपने ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं कराया है। अगर आप शेंगेन जा रहे हैं, यूएस जा रहे हैं, यूरोप जा रहे हैं, न्यूजीलैंड जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं, ऐसी बहुत सी कंट्री हैं जहां पे आपको जरूरी है, कंपलसरी है, जैसे आपको पासपोर्ट जरूरी है, वीजा जरूरी है, वैसे उन कंट्रीज में जाने के लिए आपको ट्रैवल इंश्योरेंस जरूरी है। और कुछ कंट्रीज में तो देखिए लिमिट सेट किया हुआ है कि आपका इतना लाख डॉलर का ट्रैवल इंश्योरेंस होना चाहिए,
जब ही आप उस कंट्री में ट्रेवल कर सकते हैं। अगर आप इटली जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, अगर आप जा रहे हैं यूके जा रहे हैं, तो इन कंट्रीज में आपको ट्रेवल इंश्योरेंस कंपल्सरी है। इसलिए आपको ये एक मान्य और मैंडेटरी जरूरी रिक्वायरमेंट हो जाती है, इसलिए आपको इस केस में ट्रेवल इंश्योरेंस लेना ही पड़ेगा। पांचवा कारण है हमें ट्रैवल इंश्योरेंस क्यों जरूरी है। देखिए, ये मैं नहीं चाहता कभी किसी के साथ हो, कभी किसी को जरूरत पड़े, वो है मेडिकली। अगर आपको विदेश में रहते हुए अगर आपको मेडिकल की जरूरत पड़ गई है, हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ गई है, अगर कोई भी बीमारी हो गई है, कोई भी हार्ट अटैक हो गया, एक्सीडेंट हो गया, इस कंडीशन में आपको पूरा हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा इंश्योरेंस कंपनी देती है, ट्रैवल इंश्योरेंस कंपनी जहाँ से आपने अपना ट्रैवल इंश्योरेंस कराया है। और वो आपके प्रीमियम के ऊपर डिपेंड करता है, वो कितने हजार डॉलर से लेके कितने लाख डॉलर तक हो सकता है, वो पूरा का पूरा जो भी उसमें मेंशन है वो आपको रीइंबर्स कर दिया जाएगा। इसलिए आपको जरूरत है, अगर आप विदेश जा रहे हैं, अगर आपको इनकेस मेडिकल की जरूरत पड़ गई तो आप बड़ी दिक्कत में हो जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि जब भी आप इंटरनेशनल ट्रिप के ऊपर जा रहे हैं तो ट्रैवल इंश्योरेंस को लेकर जाए, ये आपकी बहुत ज्यादा सहायता करेगी हर एक ट्रिप के लिए। छठा कारण है कि आपको ट्रैवल इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए, वो है इमरजेंसी मेडिकल वोकेशन, आपातकालीन चिकित्सा निकासी। देखिए, अगर आपको वहाँ हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ गई और वहाँ हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट नहीं हो सकता और आपको एडवांस ट्रीटमेंट के लिए अगर इमरजेंसी निकासी करनी है किसी दूसरे हॉस्पिटल में, दूसरी कंट्री के अंदर, कहीं पे भी अगर आपको शिफ्ट करना है या आपातकालीन स्थिति में आपको वहां से निकालना है मेडिकली, तो उस कंडीशन में भी आपको ट्रैवल इंश्योरेंस कंपनी पे करती है, आपको पूरा उसका रीइंबर्स किया जाएगा। जो भी उसके लिए, अगर आपको एयरलिफ्ट कराना है या आपको हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस की जरूरत है, हर एक चीज के लिए वो डिपेंड करता है आपके इंश्योरेंस प्रीमियम के ऊपर कि कितना मिनिमम से लेकर कितना मैक्सिमम हो सकता है। लेकिन हर एक ट्रैवल कंपनी इसको आपातकालीन चिकित्सा निकासी को कवर करती है, इमरजेंसी मेडिकल वोकेशन को कवर करती है। इसमें आप किसी भी मेडिक्लेम को लें, ये उसमें कवर होता ही होता है। सातवां जो कारण है वो है ट्रेवल असिस्टेंट, यात्रा सहायता। ये भी बहुत जरूरी है, आपको कभी जरूरत पड़ गई तो इसके भी इंश्योरेंस होती है, ट्रैवल इंश्योरेंस होती है और काफी सारी कंपनियां इसको कवर करती है। देखिए, अगर आप सोलो ट्रिप कर रहे हैं और आपको वहां पे हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ गई या आपको इमरजेंसी मेडिकल इवैक्यूएशन की जरूरत है, आपातकालीन चिकित्सा निकासी की जरूरत है और आप अकेले हैं, तो उस समय आप क्या करेंगे। देखिए, ढेर सारी कंपनियां इसको इंक्लूड करती है ट्रैवल असिस्टेंट को, वो आपको पूरी यात्रा के दौरान जब भी आपको इसकी जरूरत पड़ गई है तो पूरा असिस्टेंट देती है, अपना कोई या कोई भी आपके लिए मदद देती है जो आपके सारे इस अरेंजमेंट्स को पूरा करते हैं। देखिए, बहुत जरूरी है ट्रैवल इंश्योरेंस, आप समझ गए होंगे। अगर पहले तीन चार कारणों को छोड़ दे, अगर आप मेडिकली फंस गए हैं वहां पर और आप सोलो ट्रिप पे, तो देखिए क्या होगा, आपकी फैमिली वाले भी परेशान हो जाएंगे और आप भी, क्या करेंगे, कोई ना कोई हेल्प वाला चाहिए। इस कंडीशन में भी क्या होता है, ढेर सारी ट्रैवल इंश्योरेंस कंपनियां इसको कवर करती हैं और इसके अंदर वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को या वहाँ पे जो भी है पूरी सहायता प्रदान करते हैं, कोई ना कोई वो वहाँ अरेंज करते हैं। अगर आपके खाली मेडिकली नहीं, कैसे और देखे कैसे, अगर आप गलत वीजा के द्वारा अगर वहाँ फंस गए, गलत डॉक्यूमेंट्स के द्वारा फंस गए हैं, तो इस कंडीशन में भी वो आपको वहाँ पे असिस्ट करते हैं, कोई ना कोई आपके लिए मार्गदर्शक ढूंढते हैं, अरेंज करते हैं और आपका पूरा मार्गदर्शन करते हैं और उसका सारा का सारा अरेंज ट्रैवल इंश्योरेंस कंपनी करती है। देखिए, आठवां कारण जो है इंश्योरेंस क्यों लेनी चाहिए, वो खुदा ना खास्ता कभी किसी के साथ हो, वो है एक्सीडेंटल डेथ। अगर आपके इंटरनेशनल ट्रिप के ऊपर इन केस किसी की डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन में आपको ट्रैवल इंश्योरेंस जो आपने लिया है वहां से एक समर शॉट होता है, मेंशन होता है इंश्योरेंस में। अगर एक्सीडेंटल डेथ आपकी उस कंट्री में, किसी भी कंट्री में हो जाती है, तो आपको एक अमाउंट जो है वो आपकी फैमिली को, जिसको आपने नॉमिनी बनाया है, उसको वो मिल जाएगा एक्सीडेंटल डेथ के अंदर। देखिए, मैं चाहूंगा कभी किसी के साथ ऐसा ना हो, मैं ऐसी दुआ नहीं करूंगा कि कभी ऐसी जरूरत हो जाए या किसी कुछ हो जाए, लेकिन इंश्योरेंस में फायदा है कि एक अमाउंट जो होता है वो आपके नॉमिनी को मिल जाएगा इफ इन केस अगर एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो। देखिए, इसलिए जरूरी है आप ट्रैवल इंश्योरेंस को लेकर जाए।
देखिए नोवा कारण है मैं ट्रैवल इंश्योरेंस क्यों लेनी चाहिए। अगर ट्रैवल इंश्योरेंस अगर आपने ली हुई तो उसके बहुत सारे फायदे हैं। अगर किसी की एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो है रिपीटेशन ऑफ रिमेन्स मतलब आपके अंतिम संस्कार का खर्चा भी ट्रैवल इंश्योरेंस कंपनी करती है। पूरे फ्यूनरल का अगर आपको चलाना है गार्डनर है पूरा इंडिया लाने का और यहाँ के पूरे फ्यूनरल का खर्चा ट्रैवल इंश्योरेंस कंपनी करती है और बॉडी को इंडिया लाने का जिस कंट्री में आप हैं वहां से पूरा इंडिया लाने का पूरे फ्यूल का खर्चा सारा का सारा अंतिम संस्कार का जो भी खर्चा होता है वो ट्रैवल इंश्योरेंस कंपनी करती है। हर एक छोटे से लेके बड़े खर्चे को ट्रैवल इंश्योरेंस कंपनी देती है। इफ इन केस किसी की डेथ हो जाती है तो रिपीटेशन में अंतिम संस्कार का पूरा खर्चा ट्रैवल इंश्योरेंस कंपनी उठाती है। देखिये दसवां है इफ इन केस योर ट्रिप कैंसिल, अगर आपका ट्रिप कैंसिल हो गया है इस कंडीशन के अंदर भी आपको ट्रैवल इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिल सकता है, लेकिन सब ट्रिप के रद्द होने पर नहीं। उसके भी ढेर सारे पॉइंट्स हैं, जब आप ट्रैवल इंश्योरेंस लेंगे तो उसके अंदर मेंशन होता है कौन कौन से पॉइंट है, उनमें से कुछ पॉइंट्स को मैं आपको बता देता हूँ कि इन केस आपका फ्लाइट आपकी ट्रिप कैंसिल हो गई है तो किस किस कंडीशन में आपको बीमा क्लेम मिल सकता है ट्रैवल क्लेम मिल सकता है। पहला है अगर यात्री जो ट्रैवल कर रहा है वो या आपका फ्रेंड जो उसके साथ ट्रैवल कर रहा है या परिवार के किसी सदस्य का जो क्लोज सदस्य है, देखिए माता पिता हो गए वाइफ हो गई बच्चे हो गए, इनमें से अगर किसी को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत हो जाती है कोई हॉस्पिटल में गंभीर बीमारी से एक्सीडेंट हो जाता है या डेथ हो जाती है, इस कंडीशन में अगर आप अपना ट्रैवल कैंसिल करते हैं तो उसमें आपको कुछ अमाउंट फ्लाइट का और होटल्स का आपको काफी क्लेम मिल जाएगा आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस कंपनी से। दूसरा ट्रिप कैंसिलेशन में आपको कब आपको मिल सकता है क्लेम, जब किसी नेचुरल डिजास्टर के द्वारा, अगर कोई जिस कंट्री में आप जा रहे हैं वहां पर कोई प्राकृतिक विपत्ति पड़ जाती है उस कंडीशन के अंदर भी आपको ट्रिप कैंसिल होता है तो उसमें ट्रैवल इंश्योरेंस कंपनी आपको पे करती है। देखिए जैसे अभी COVID-19 की वजह से सारी फ्लाइट्स रद्द हो गई, सबने वीजा कैंसिल कर दिया, तो इसके अंदर ट्रैवल इंश्योरेंस बहुत ज्यादा फायदेमंद हुई लोगों के लिए, इसलिए जरूरी है कि आप ट्रैवल इंश्योरेंस को ले और कभी भी किसी भी कंट्री में जा रहे हैं अगर वहां जाने से पहले कुछ नेचुरल डिजास्टर हो जाता है अर्थक्वेक आ जाता है कुछ हो जाता है जिसकी वजह से ट्रैवल वहां पे बंद कर दिया जाता है फ्लाइट कैंसिल हो जाती है तो उस कंडीशन अगर आपकी फ्लाइट आपका ट्रिप कैंसिल होता है तो आपको ट्रैवल इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिल सकता है। तीसरा कारण है आपको ट्रिप कैंसिलेशन में कब आपको आपका रिफंड मिल सकता है कब आप क्लेम कर सकते हैं वो है अगर जिस ट्रैवल कंपनी से आपने अपना पूरा ट्रिप बुक कराया है अगर वो बैंकक्रप्ट हो जाती है फाइनेंशियल करप्टेड हो जाती है तो उस कंडीशन में आपको इंश्योरेंस क्लेम मिल सकता है। देखिए 2019 में दो वर्ल्ड की काफी बड़ी कंपनी बैंकक्रप्टेड हो गई थी और जो कंपनी सिर्फ दिवालिया हो गई थी डिफॉल्टर्स हो गई थी दिवालिया हो गई थी और कंपनी एकदम अचानक से बंद हो गई, इस कंडीशन में भी अगर आपका ट्रिप कैंसिल हो जाता है जिस टूर कंपनी से अगर आपने या एयरलाइंस से, देखिए लास्ट ईयर एक एयरलाइंस काफी बड़ी एयरलाइंस इंडिया में बंद हो गई थी और सारी उसके टिकट्स कैंसिल हो गई थी, इस कंडीशन में अगर आपका ट्रिप कैंसिल हो जाता है तो इस कंडीशन में ट्रैवल इंश्योरेंस कंपनी आपको पे करती है, इसलिए जरूरी है कि आप ट्रैवल इंश्योरेंस ले चाहे आप जिस कंट्री में जा रहे हैं वहां जरूरी है या नहीं है जरूरी ट्रैवल इंश्योरेंस, लेकिन आप हर कंट्री के लिए ट्रैवल इंश्योरेंस को जरूर से ले। ट्रिप कैंसिलेशन का पांचवा है कि आपको कब आपको मिल सकता है, देखिए ये भी बहुत जरूरी है, आजकल हर जगह क्या है कि टेररिज्म अटैक हो जाते हैं, इस कंडीशन में टेररिज्म अटैक आतंकवादी अटैक या मैंडेटरी कंपल्सरी इवैक्यूएशन मतलब वहां से आपको यात्रा ही कैंसिल करनी पड़ती है, किसी कंट्री ने बैन कर दिया एकदम ट्रैवल बंद कर दिया उस कंडीशन में भी आपको ट्रैवल इंश्योरेंस कंपनी पे करती है, इसलिए जरूरी है कि आप ट्रैवल इंश्योरेंस को ले। अगर कोई भी आतंकवादी या कोई भी अनिवार्य निकासी हो जाती है उस कंट्री में जहां आप जा रहे हैं तो उस कंडीशन में आप ट्रैवल इंश्योरेंस कंपनी से अपना क्लेम कर सकते हैं और आपके ट्रिप कैंसिल होने का जो भी हर्जाना है जो भी मुआवजा है वो ट्रैवल इंश्योरेंस कंपनी आपको पे करती है। पांचवा कारण है कि आपका अगर ट्रिप अगर
आपका पासपोर्ट और वीजा चोरी हो गया है, डैमेज हो गया, कहीं खो गया है, तो इस कंडीशन में भी अगर आपका ट्रिप कैंसिल होता है तो ट्रैवल इंश्योरेंस कंपनी आपको उसका हर्जाना दे सकती है और देती है। ये आपके जब आप इंश्योरेंस ले रहे हैं तो उसके अंदर मेंशन होता है ये पॉइंट कि अगर आपका पासपोर्ट, अगर आपकी मॉर्निंग में फ्लाइट है और आपको पता चले आपका पासपोर्ट चोरी हो गया तो क्या करेंगे, पासपोर्ट नया बन भी नहीं सकता और आपको ट्रिप कैंसिल करना पड़ेगा, पोस्टपोन करना होगा, उस कंडीशन में भी आपको ट्रैवल इंश्योरेंस कंपनी पे करती है ट्रिप, इस कंडीशन में अगर आपका ट्रिप कैंसिल होता है। इसलिए जरूरी है कि आप ट्रैवल इंश्योरेंस को, एक सिक्स पॉइंट है कि आपको ट्रैवल इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए, वो है इफ इन केस अगर आपका ट्रिप कैंसिल हो जाता है जहां आप होस्ट हैं, मतलब डेस्टिनेशन कंट्री में जहां आप घूमने के लिए या किसी बिजनेस के लिए जा रहे हैं और जिसने आपके ट्रिप को ऑर्गेनाइज किया डेस्टिनेशन पर, उस कंट्री के अंदर अगर किसी ने आपका स्पॉन्सर किया हुआ है ट्रिप को या अरेंज किया हुआ है, अगर उसकी डेथ हो जाती है या हॉस्पिटलाइजेशन हो जाता है, इस कंडीशन में अगर आपका ट्रिप कैंसिल होता है तो उसके अंदर भी ट्रैवल इंश्योरेंस कंपनी आपको पूरा मुआवजा देती है। इसके अलावा 10 से 12 पॉइंट्स और हैं, अगर आपका ट्रिप कैंसिल होता है तो आप ट्रैवल इंश्योरेंस कंपनी से कैसे क्लेम कर सकते हैं या आपको ट्रैवल कैंसिल होने पर आपको कैसे वो रिफंड मिलेगा या किस कंडीशन में, अगर आप ये सब जानकारियां चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख दें या आप हमें मेल कर दें, हम पूरा रिप्लाई कर देंगे। और अगर आप चाहते हैं कि हाउ टू क्लेम, हम ट्रैवल इंश्योरेंस कंपनी से कैसे क्लेम कर सकते हैं, इस पे वीडियो बनाएं तो कमेंट बॉक्स में लिख दें, जल्दी हम इसके ऊपर भी एक नया वीडियो लेकर आएंगे कि हाउ टू क्लेम, हम क्लेम कैसे कर सकते हैं ट्रैवल इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम के लिए।